तो अगर आप लोग वोट देके आ गए हो तो आप लोग कमेंट पे पहले बता देना कि आप लोग किसको वोट दिया है, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन विनर होने वाला है। और वीडियोस को फुल देखना तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बातें है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्ज चरण ब्लॉग्स। और आप सभी को पता है कि कार्बी आंग्लोंग से मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और आज कार्बी आंग्लोंग में एमएससी इलेक्शन चल रहा है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मतलब जब तक ये वीडियोस आप लोगों के पास आएगा शायद तब तक तो आप लोगों का वोटिंग देना खत्म हो चुका होगा। बट बहुत सारा बातें आप लोगों को बताना है, रिक्वेस्ट करना है। जो जो कैंडिडेट है पहले हम लोग कहीं पे अच्छे से बैठ लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि पॉलिटिक्स का नॉलेज मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कुछ कुछ बातें जो मैं उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इस इलेक्शन में विनर होगा, उनसे बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप विनर होंगे, जैसे कि आप कैसे विनर होंगे, कार्बी आंग्लोंग के पब्लिक आपको वोट दिया इसके वजह से आप विनर होंगे। तो बहुत सारा सपना देख के किसी कैंडिडेट को पब्लिक लोग विनर करवाने वाले, बहुत सारा सपना देखा है। तो पब्लिक लोगों का सपना मत तोड़ना और जो जो डेवलपमेंट के काम है वो सब करना। और डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, एक तो देखिए, आप सभी को पता है कार्बी आंग्लोंग कितना ज्यादा खूबसूरत है। और मैं जो भी कैंडिडेट होगा उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग टूरिज्म को डेवलप करने का कोशिश कीजिए। और टूरिज्म कब डेवलप होगा, जैसे कि कार्बी आंग्लोंग का चारों तरफ आप लोग देख लो, कार्बी आंग्लोंग जितना बड़ा है ना, कार्बी आंग्लोंग में एक भी ऐसा जगह नहीं होगा जो खूबसूरत नहीं होगा। जितना भी जगह है सब जगह खूबसूरत है। और टूरिज्म तभी डेवलप होगा जब वहां का रास्ता बहुत अच्छा होगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, पूरा एकदम कार्बी आंग्लोंग के गली गली में रास्ता आप लोग सबसे पहले बनाइएगा। और उसके बाद हो सके तो इंडस्ट्रीज के तरफ भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब इंडस्ट्रीज आएगा कार्बी आंग्लोंग में तो कार्बी आंग्लोंग का बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखो, काउंसिल का भी बारे में मैं बताता हूँ, मेरे सुनने में आया बहुत सारा मतलब करप्शन चल रहा है, जो पैसा दे रहा है उनका ही जॉब हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो इलिजिबल है जॉब के लिए उनको ही जॉब मिलना चाहिए। पैसा के बारे में आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि कार्बी आंग्लोंग बहुत छोटा सा जगह है। इसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा अच्छा एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, बट करप्शन की वजह से वो लोग आज भी बेरोजगार है। तो आप लोग बेरोजगारी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा और रास्ता हो सके तो बनाइएगा। हो सके तो मतलब रास्ता आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, रास्ता बनाने से टूरिज्म डेवलप होगा। और ऐसे जनता में आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट है उनको मैं एक बातें बताना चाहूंगा। मैंने कार्बी आंग्लोंग में एक चीज नोटिस किया है, जैसे कि वहां पे एजुकेशन का भी काफी ज्यादा तकलीफ है। जैसे कि कार्बी आंग्लोंग के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बी आंग्लोंग में वो सब फैसिलिटीज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि अच्छा स्कूल अच्छा कॉलेज एस्टेब्लिश करने का। और जब मैं कभी कभी कार्बी आंग्लोंग के कुछ एरिया पे जाता हूँ ना, वहां पे मैं देखता हूँ कि वहां का स्टूडेंट लोग ना 10-10 किलोमीटर चल के स्कूल जाते हैं। बताए मतलब स्कूल के लिए 10-10 किलोमीटर उन लोगों को पैदल चलना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करना कि हर एक गांव पे एक अच्छा सा स्कूल होना चाहिए। और उसके बाद वहां पे हो सकता है इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए, इंडस्ट्रीज अगर हुआ तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखियो एक बात मैं बताता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट में जितना भी जॉब निकलता है वो तो पॉपुलेशन 1 लाख है तो सिर्फ 1000 ही वैकेंसीज निकलेगा, तो 1000 में से 1000 कोई नौकरी मिलेगा, उसके बाद 9 लाख तो बेरोजगार रहने वाला है। इसके वजह से अगर इंडस्ट्रीज हुआ तो वहां पे प्राइवेट भी कर सकेंगे और लोगों का बेरोजगारी खत्म होगा। तो जितना भी कैंडिडेट है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोचना, इंडस्ट्रीज लाने का कोशिश करना कार्बी आंग्लोंग में, ताकि कार्बी आंग्लोंग का बेरोजगारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि कार्बी आंग्लोंग में बेरोजगारी से बहुत लोग जूझ रहे, एजुकेशन तो है उनके पास बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो सबको तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकता, इसलिए अगर आप लोग इंडस्ट्रीज लाओगे तो वो लोग वहां पर प्राइवेट करके अपनी जिंदगी को जी सकेगा अच्छे से। और गाइस, कार्बी आंग्लोंग के लोग काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा खूबसूरत जगह पे रहते हैं। तो फायदा भी उठाओ उस खूबसूरत जगह का, फायदा आप लोग किस तरीके से उठा सकते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जांपल में आप लोग दुबई कौन नहीं जाना चाहता है, सबका ड्रीम होता है दुबई जाने का। और दुबई इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा फेमस क्यों है, वहां का टूरिज्म के वजह से। और कार्बी आंग्लोंग में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे लोग विजिट करना चाहते हैं, वहां पे विजिट करना चाहते हैं। बट कभी कभी ऐसे जगह भी होते हैं जहां पे रास्ता खराब होने की वजह से दूसरे लोग वहां पे जाते नहीं है। तो आप लोग देखना, जितना भी पिकनिक प्लेस है, जितना भी वाटरफॉल से लेकर जितना भी खूबसूरत जगह है, उन सब जगहों को डेवलप करने के लिए आप लोग कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि वो डेवलप होगा तो टूरिज्म डेवलप होगा। अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो लोगों का काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि अगर किसी वाटरफॉल के सामने कोई अगर दुकान भी लगाया, अगर कोई लोग वहां पे घूमने गए तो उस दुकान से तो वो लोग अपना घर चला सकेगा। इसलिए अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो लोग भी डेवलप हो जाएंगे।
तो एमएससी इलेक्शन में कौन विनर होने वाला है वो तो नहीं पता, पर जनता जिनको चुनेगा, जनता तो कभी गलत नहीं हो सकता, जिसको ज्यादा वोट जनता देगा वही जीतेगा। और वोट क्यों देंगे आपको ऐसे कैंडिडेट, आप लोग सोचेगा आप लोगों को, आपको क्यों जिताया जनता ने, आप लोगों को इसलिए जिताया जनता ने सोचा कि आप काम करोगे, आप डेवलपमेंट लाओगे कार्यक्रमों में। तो कैंडिडेट से इतना ही रिक्वेस्ट है, जनता का दिल कभी भी मत तोड़ना और आप अच्छे काम करते जाओ। और कौन विनर होने वाला है वो तो नहीं पता, जो भी विनर होगा मेरे तरफ से एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तो रिजल्ट देने, रिजल्ट का टाइम बहुत ही बाकी है, फिर भी जो विनर होगा, जिनको जनता चुनेंगे वो तो सही चुनेगा जनता लोग। और उसके बाद कैंडिडेट से इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग डेवलपमेंट लाओ कार्बी आंगलों को, और ज्यादा डेवलप करो कार्बी आंगलों को, और ज्यादा डेवलप होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।